Assalamualaikum दोस्तों, what's up guys, back again with a new video. So guys, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने जो पबजी को बैन किया था वो अनबैन हो गई है. PDA की तरफ से ये हमें नोटिफिकेशन मिल गया है कि पबजी को हम अनबैन कर देंगे. इंशाल्लाह 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 पबजी चलेगी और हम इंशाल्लाह पबजी को खेलेंगे. और दोस्तों, मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि पबजी को अनबैन कर दिया गया है. इसकी मुझे जब मैंने रात को ये खबरें सुनी, जब मैंने खबरें सुनी तो मुझे पता चल गया था कि पबजी को अनबैन कर दिया. तो मैंने सोचा यार, ये खुशखबरी की बात मैं अपने तमाम दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को बताऊंगा तो इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे. तो दोस्तों, आप अभी जाएं पबजी को, अगर आपने पबजी डिलीट कर दिया तो उसको सिंपली जाके वहाँ पे डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप जाके उसे अपने VPN के बगैर खेलें. अनबैन कर दिया है और ये बिल्कुल रियल बात है, इसी किस्म का कोई शक नहीं. आप अभी जाके चेक कर सकते हैं, अभी आप स्टोर में जाएं, पबजी को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद खेलें. और दोस्तों, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि पबजी को अनबैन करवाने के पीछे किसका ज़्यादा हाथ रहा है. दोस्तों, इनमें पीछे बहुत मेहनत के साथ ये पबजी को अनबैन किया है इन्होंने. ये बहुत ही कमाल के इनके नाम हैं. दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, आपने भी शायद इनके नाम सुने होंगे. पहला जो हमारे पास नाम आता है, जिन्होंने पबजी को अनबैन करवाने के लिए बहुत दिन रात कोशिशें की है, उसका नाम है वकार जका. दोस्तों, ये कमाल की पर्सनैलिटी है वकार जका. दोस्तों, आई रियली लाइक दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन है दोस्तों, ये पर्सन बिल्कुल हक के लिए लड़ता है. बिल्कुल ये पर्सन उन लोगों की मदद करता है जो अपना घर सिर्फ ऑनलाइन तरीके से कमाते हैं, और ऑनलाइन तरीके से किस तरह जो यूट्यूब से सिर्फ पैसा कमाते हैं. दोस्तों, ये हमारी PTA की तरफ से जो हुकूमत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर तंजीदें की थी, बहुत ज़्यादा किया था कि यार यहाँ से सुसाइड होती है, ये खुली जेल है, ये इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है, इस्लाम में इसके लिए तोहीन की गई है, ये है वो है. लेकिन दोस्तों, हमारे जो वकार जका साहब हैं, सबसे पहले उन्होंने जब प्रूफ दिखाया उनको कि यार इससे कोई किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, ये बिल्कुल एक बस जस्ट गेम है और इसके अलावा ये कोई चीज़ नहीं है. दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि यार हम फेसबुक को भी बैन कर देंगे, ट्विटर को भी बैन कर देंगे, सारा सोशल मीडिया बैन कर देंगे. दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब एक नई खबर थी जो इमरान खान के साथ की तरफ से मिली थी कि हम उसको भी बैन कर देंगे यूट्यूब को. लेकिन दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है. यूट्यूब को भी इंशाल्लाह वो कह रहे थे कि हम बैन कर देंगे, लेकिन यूट्यूब बैन नहीं होगा. इंशाल्लाह इंशाल्लाह यूट्यूब को भी बैन नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब को अगर बैन कर दिया तो उसकी वजह से लाखों करोड़ों घर के जो चीज़ें हैं वो बंद हो जाएंगे. और ये तो इमरान खान को और वकार जका कभी भी नहीं करने देंगे. जो दोस्तों, मैं आपको फिर एक खुशखबरी की बात सुनाने जा रहा हूँ, तो ये है कि पबजी को अनबैन कर दिया गया है. दोस्तों, आप अभी जाएं पबजी को डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद उसे खेलें और इसकी इंजॉय करें. दोस्तों, पबजी को उन्होंने अनबैन इस वजह से दिया है क्योंकि सुप्रीम हाई कोर्ट ने इसका फैसला पहले दिया था कि यार इसमें कोई ऐसा किसी किस्म का जो इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं कोई चीज़ है, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है इस्लाम के खिलाफ. मैं जो ये अभी वीडियो बजे आप एक जो वीडियो देख रहे हैं पबजी खेलने की, ये बिल्कुल विदाउट VPN है. मैंने VPN के बगैर हमारी लाहौर में, मैं इस टाइम लाहौर के इकबाल टाउन में रहता हूँ, जहाँ पे हमारा इस एरिया में पबजी को अनबैन हो गई है, मैं तो खेल रहा हूँ विदाउट VPN के. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा के मोटिवेट हो के इंशाल्लाह आप भी अपनी जल्दी से पबजी को इंस्टॉल करेंगे. इंस्टॉल करने के बाद उसे खेलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा. और जो लोग इससे पैसा कमाते हैं, जैसे कि हमारा स्टार नॉमिनस, मेरा दोस्त, मेरा भाई, दोस्तों वो भी एक बड़ा अच्छा बंदा है. मैं उम्मीद करता हूँ कि यार उसका भी, वो भी एक बिल्कुल कारोबारी बंदा नहीं था, सिंपली वो यूट्यूब से पैसे कमाता था, वो भी जो पबजी खेल के यूट्यूब से पैसे कमाते थे. लेकिन अब वो, उनकी जो परेशानी थी, एक परेशानी तो हर बंदे को होती है यार, जिसके पास पैसा नहीं है यार, हर बंदे को परेशानी है. पैसा तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो यार कुछ भी नहीं है, माशरे में इज्जत नहीं है. तो दोस्तों, इस लिहाज से अब उसका कारोबार चल जाएगा, उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट उसको मिल जाएगा. उसको YouTube की तरफ से जब जैसे ही वो वीडियो पबजी खेलेगा, अपलोड करेगा, तो लोग देखेंगे और उसके व्यूअर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ने के बाद सिंपली उसको पैसे मिलेंगे. तो दोस्तों, ये थी आज की बहुत अच्छी खबर. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें. और हाँ दोस्तों, एक बहुत ही
जरूरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल सकें। तो दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।